अभी ना बंदरों के साथ बहुत खतरनाक सीन हो रहा है। डीजी ने ओल को बार बार भूख रहा देखते गप्पे भाई का। सुबह सुबह ना घर के बाहर बंदर लोग आए हुए हैं। ये वाला ना बंदर सब पूरा डाउन कर दिया है, तो चलो बांधते हैं। अभी हम लोग को चढ़ाना है स्टेबलाइजर ऊपर, क्योंकि आज सारा मशीन वगैरह सबको छत के ऊपर में रखना। फिर रात में, कल रात का सीन क्या हुआ था ना कि बाहर में सोने वाला कोई नहीं था, मशीन का रखवाली करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पूरा ग्रुप का सारा लड़का लोग ना बाहर में सोते, तो मशीन चोरी होने का डर था। लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज फिर भी हम लोग अपने सेफ्टी के लिए क्या करते हैं ना कि मशीन को ना इस छत वाली छत के ऊपर में रखते हैं, जहाँ पे हम लोग आराम से छोड़ के भी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो चलो देखो नीचे में ना गोपी लोग मशीन वशीन सब कुछ ठीक करा, फिर इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएगा, कैसे चढ़ाएगा रे, कैसे लगा गोपी? यहाँ तक दोनों यहाँ से फिर टाँग लेंगे। चलो स्टेबलाइजर ऊपर आएगा, टेबल देखते हैं। जो टेबल नीचे में रखा ना कोना में, टेबल था ना जो टेबल कोना में था, उसको ना ऊपर लेकर वहाँ पे सारा मशीन वगैरह रखने के लिए रखा गया। और बॉक्स 8:30, 12:00, 1:00 तो कल शाम रख ले ना, बॉक्स वाले भैया बॉक्स लेकर चल गए थे, तो वो आएगा 12:00, 1:00 के आसपास। और अभी ना इस वाले रूम को ना साफ करना है, कि वहाँ पे जितने भी सामान वगैरह गंदा दिन, जितना भी डेकोरेट का सामान सब कट छट के एकदम पूरा गंदा उसको बिखरा हुआ, तो उसको भी झाड़ू मारना है, ताकि भाई जिनका एक घर वो लोग डांटे ना हम लोग को, कि साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए झाड़ू मारना पड़ेगा। तो चलो काम वगैरह स्टार्ट करते हैं। अभी आर्यन का नहाने के लिए, क्योंकि जो पूजा में जो मेन था बैठने के लिए लड़कों में से, वो आर्यन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए वो गए नहाने। तो चलो हम लोग अपना काम करते, वो अपना काम करेगा। सिर्फ एक ही रूम झाड़ू मारे, और चढ़ा देखो इतना सारा कचरा डेकोरेट का सामान है, चलो सबको ना फेंक देते हैं। अभी सिर्फ ना एक ही रूम झाड़ू मारे, सिर्फ वहाँ से लेके यहाँ तक, और अभी एक अंदर वाला रूम भी है उसको मारे नहीं है, तो पहले इसको अच्छा से साफ कर देते हैं, फिर उधर भी काम करना है। रूम ना एकदम साफ हो चुका अभी, तो अभी चलते छत में थोड़ा सा। और मेरा ना कल का ब्लॉग बिना एडिट कम्प्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फ़ोन का कुछ फोटोज था, कुछ महेस का फ़ोन का फोटोज था, तो उसमें से फोटेज मिला नहीं, तो साथ पता नहीं आज का व्लॉग आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और ये व्लॉग आपको एक दिन बाद मिलेगा। तो भाई मेरा व्लॉग अभी एडिट ही नहीं हुआ है पहले वाला, देखिए वो जितना जल्दी स्कूल से आएगा ना, फिर मेरा व्लॉग हम कंप्लीट करके फिर अपलोड पे लगाना भी है, कि अब आज हो गया कि डेली व्लॉग अपलोड ना होना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि चैनल का रीच डाउन चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें। सो देखते हैं कब आता है फिर व्लॉग अपलोड करना है, और जाते भी घर और ब्रेकफास्ट करके फिर नहा धोवा के फिर से वापस आना है। फिर आज प्रसादी भी ना घर घर में देना है, तो जितना भी प्रसादी का सामान है आर्यन लेके आ चुका है, तो वो अभी नहा ही रहा होगा सर, तो हम भी जाते हैं ब्रेकफास्ट करके नहा के आते हैं, फिर अपना काम को कंप्लीट करना है। अभी लाने के लिए बोला तो जैसे हुआ ना, अरे तो प्रसादी बांटने का बात बोले थे, अभी वो वाला काम स्टार्ट होगा, यहाँ पे डब्बा वगैरह हो चुका है और प्रसाद बांटना है। और हम लोग का 35 घर है, ज़्यादा 35 घर है, तो सब में देने का, क्योंकि भाई अगर प्रसादी नहीं पहुँचता है तो अच्छा अच्छा बात सुनने को मिलता है। चलो जैसे भी है, प्रसादी प्रसादी होता है, जितना भी हो जाए 35 घर में सबको बांटना है, तो मेरा तो भाई हाथ गंदा है, हाथ धो के आते हैं फिर प्रसादी वगैरह काटना। इतने फल इतना ही था यहाँ पे, फल इतना ही है और हम थोड़ा सा खरीदते हैं। हाँ तो चलो अभी इसका काम खत्म करते हैं, फिर बांटना भी हम लोग को, तो अपना प्रसाद और साथ ही बांट देते घर घर में। सारा प्रसाद वगैरह ना बांट के ख़त्म करने के बाद, तो अभी आए हुए थे घर, तो अभी फिर से ना नहा लिए हैं अभी, और फिर से भी जाना है, क्योंकि जो कलश यात्रा के लिए बुक्स लेके गए हुए थे भैया लोग, फिर अभी वो लेके आए, तो फिर वो सबको कनेक्ट करना, मतलब जोड़ना पड़ेगा तार, और दो लाइट्स वगैरह फिर से फिट करना है। तो अभी आयरन आया था बुलाने के लिए, तो हम नहा रहे थे इसलिए गए नहीं, तो अभी जाते हैं और अंदर का सारा मतलब उधर का सारा काम ख़त्म करते हैं। सारा बॉक्स वगैरह सेट हो चुका है, बिना लाइट बांधना है। तो भाई साहब ये वाला लाइट है, हम लोग का कंफ्यूजन ये है कि लाइट कहाँ पे लगाएंगे, उस वाले खंभे पे लगाएंगे कि यहाँ पे लगाएंगे। पहुँचेगा ना आज रात का, कितने बाहर सोएंगे करेंगे क्या?
यहाँ टॉप में ना अच्छा नहीं दिखेगा, लाइट वगैरह जोड़ देते। और अभी ना हम गाना क्योंकि हमको थोड़ा सा शूट करने से लिए और वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है और गाना बज रहा है ना, चला वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाए। सो हाँ, लाइट वगैरह सब कुछ जोड़ चुका है और सडनली सब ब्लैक की डांस प्रोग्राम भी होगा। भाई हमारे बोकारो में एक बहुत ही ज्यादा फेमस बोल सकते हो भाई डांसर है जो कि फीमेल गेटअप में भी डांस करता है, मेल गेटअप में भी डांस करता है। तो होप सो कि अगर हम लोग मिला पाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और उनके भाई बहुत फेमस है भाई लोकल एरिया में, सो उसका डांस प्रोग्राम होने वाला है। तो सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, सारा जो भी काम सब कुछ हो चुका है। तो भी घर आते थोड़ा सा बस यही बताने के लिए, तो जाते फिर से वापस, फिर डांस दिखाते आपको। और उधर से बहुत सारे हमारे भाई कैसा डांस होता है और हो सके तो कर रहे हैं। तो फिर हम और वो हम अपना जगह तेरे प्यार में दिल दीवाना, तेरे प्यार में दिल दीवाना है, तेरे प्यार में दिल दीवाना, तेरे प्यार में दिल दीवाना है, तेरे प्यार में दिल दीवाना। मुश्किल बस समझाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, तेरे प्यार में दिल दीवाना है, तेरे प्यार में दिल दीवाना, तेरे प्यार में दिल दीवाना है। तालीम का स्वागत करेंगे।